अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरोमा विद अरुणा। आज हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ास। इसके लिए हमें चाहिए होगा बर्गर बन, जिसको मैं बीच में से काट लूँगी, 100 ग्राम्स बोनलेस चिकन जिसको मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में काटा है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून टिक्का पाउडर, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, हाफ शिमला मिर्च, ऑलिव्स, कॉर्न्स, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ कप केचप एंड ग्रीन कोरिएंडर। इसके अलावा हमें चाहिए होगी ग्रेटेड चेडर चीज़। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और फिर इसमें हम चिकन क्यूब्स डाल देंगे। एक दो मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, विनेगर और टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। चिकन बोनलेस है और बहुत बारीक क्यूब्स में काटा है तो ये 10 मिनट में गल जाएगा। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दें। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और दम पर रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बर्गर बन को आप इस तरह से बीच में से काट लें और उसके एक स्लाइस के ऊपर सबसे पहले हम केचप लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, इसके ऊपर से जो चिकन और शिमला मिर्च का मिक्सचर था वो डालेंगे इसके ऊपर, वेजिटेबल्स आप इसके अंदर अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कॉर्न्स डाले हैं और फिर इसके ऊपर आप चीज़ स्प्रेड कर देंगे। सबसे ऊपर ऑलिव्स रखेंगे और सब्ज़ धनिया, ऑप्शनल है ये, और इसी तरह से बाकी पिज़्ज़ास भी आप रेडी कर लें। इन सब पिज़्ज़ास को हम एक प्लेट में डालेंगे और इसको माइक्रोवेव में रख देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। जब इसके ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो आप इनको ओवन में से निकाल लें और इनको गरम गरम सर्व करें। चाय के साथ आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। वेजिटेबल्स आप इसके अंदर अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, अनियंस डाल सकते हैं, ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज।